आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ई वेरिएंट और ई एक्स वेरिएंट में कौन सा वेरिएंट आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इंजन ऑप्शंस की अगर आप बात करते हैं तो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको सिमिलर इंजन ऑप्शंस दिए गए हैं, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन, और सिर्फ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। किसी भी तरीके का ऑटोमेटिक इन दोनों वेरिएंट्स में ऑफर नहीं किया गया है। अब अगर आप बात करेंगे प्राइसिंग डिफरेंस की, तो अगर आप पेट्रोल वेरिएंट्स की बात करेंगे तो करीब 96,000 रुपीज़ का प्राइस का डिफरेंस है एक शोरूम में, तो ठीक है, अफोर्डेबल है। लेकिन अगर आप डीजल वेरिएंट्स की बात करेंगे तो 1,40,000 रुपये का डिफरेंस है प्राइसिंग में एक शोरूम की। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अभी अभी हुंडई ने अपनी क्रेटा की लाइनअप में से जो इनका ई वेरिएंट था, इस साइड आप में जो देख रहे हैं ये इसका ई वेरिएंट है और ये इसका ई एक्स वेरिएंट, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स को कट डाउन किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्राइस को नहीं बढ़ाया। तो बहुत अच्छी बात है कि फीचर्स को कट डाउन कर दिया लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाए। तो वीडियो ये भी हमें बताएगी कि क्या जो फीचर हटाए गए हैं वो अच्छे हैं, क्या वो यूज़फुल थे जो कि अभी भी हमें ई एक्स वेरिएंट में मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर आप इन दोनों गाड़ियों के लुक्स की बात करेंगे तो लुक्स में फर्स्ट व्यू में आप उतना ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, दोनों गाड़ी आपको बराबर दिख रही होंगी, साइज़ वाइज, लुक वाइज, फ्रंट में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो अब डिफरेंस हो गया है फ्रंट में देखने में, पहले जो ई वेरिएंट आता था जब ये लॉन्च हुई थी मार्च के आसपास 2020 में, तब यहाँ पर भी आपको सिल्वर स्किट प्लेट मिलती थी, ये जो आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो नया, एक इसको कहूँगा मैं, नया लॉट आया है कंपनी से या फिर नया अपडेट हो गया, ई वेरिएंट आ चुका है, उसमें इसको हटा के इसको बॉडी कलर भी नहीं करा है, इसको ब्लैक कलर में कर दिया गया है। और वहीं जो अगर आप ई एक्स वेरिएंट है उसमें वही बरकरार है जो पहले ई एक्स में मिलता था, और यही सेम चीज़ पहले ई में भी मिलती थी। तो देखिए, पैंडेमिक था और ये कोविड सिचुएशन के कारण इम्पोर्ट काफ़ी कम हो गया था, तो कंपनीज़ की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी उनकी रॉ मटेरियल में, इसीलिए उन्हें ये स्टेप उठाना पड़ा, ये हम समझते हैं। लेकिन लुक वाइज आप मुझे बताइए कि कौन सा आपको ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। बाकी और अगर आप बात करेंगे ग्रिल एरिया की बात करेंगे, या फिर जो इनमें कैस्केडिंग ग्रिल दी है हुंडई की, हेडलैम्प्स की बात करेंगे, इसमें भी आपको देखिए हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है, आपको स्प्लिट बूमरैंग शेप में कुछ डीआरएल्स है, और नीचे अगर आप सिमिलरली देखेंगे तो आपको वही सेम इसमें टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि हैलोजन में है, और यहाँ पर एक एयर डक्ट मिलती है जो कि इनकी ब्रेक की कूलिंग के लिए है, दोनों में सेम है। किसी भी प्रकार के फ्रंट में पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, ये सारे फीचर्स इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये तो आपने कुछ देखा इनके डिज़ाइन की बात। अब एक बार आप आ जाइए हमारी जो बेस वेरिएंट है ई वेरिएंट, इसके साइड की प्रोफाइल की ओर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनी ने चेंज कर दिया है। देखिए, दोनों में अलॉय व्हील तो नहीं मिलते हैं, स्टील रिम व्हील्स मिलेंगे जो कि डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छे हैं, ब्लैक कलर में आते हैं, और उसमें आपको सिल्वर कलर में कुछ कंपनी कुछ ये कुछ व्हील कवर ऑफर कर रही है। इन दोनों का ही टायर साइज़ जो है सेम रखा गया है, 205/65 रेडियल 16 का टायर मिलता है, 16 इंच का टायर दोनों में मिलेगा, और अपोलो कंपनी का टायर अभी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। साइड में अगर आप गौर करेंगे तो ये जो क्लैडिंग है, ये प्लास्टिक की जो दी गई है, ये दोनों में सेम दी गई है। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया है बेस मॉडलों में खासतौर पर, यहाँ पर आपको साइड फेंडर में इन्होंने जो टर्न इंडिकेटर्स हैं इन्हें माउंट कर दिया है, और अब ये थोड़ा सा डाउनग्रेड हो चुका है लुक्स के मामले में साइड प्रोफाइल से, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया है एज आ अगर आप हुंडई कस्टमर इसको लेते हैं। पहले जब ई वेरिएंट आता था स्टार्टिंग में तो आपको ओआरवीएम में ही इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लुक के साथ आते थे, और जो इसका डायरेक्ट कंपटीशन किया सेल्टॉस था वो स्टार्टिंग से ही आपको ऐसा कुछ फीचर नहीं देती है, तो इसका एक एज था सेल्टॉस के ऊपर जो कि अभी क्रेटा ने मिस आउट कर दिया है। बाकी ओआरवीएम की बात करें तो दोनों में ही आपको मैनुअल फोल्डिंग का फंक्शन मिलता है, केवल एसएक्स और एसएक्स एग्जीक्यूटिव जो जस्ट अभी आया है उसमें आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का फंक्शन मिलता है। बाकी जो अंदर इसका मिरर है ये भी अब इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टिंग का जो फंक्शन है वो हटा दिया है, लेकिन ई एक्स में अभी भी मेंटेन है। फ्रंट में जो दोनों में ही आपको ए पिलर मिलता है, ये पियानो ब्लैक टोन के साथ मिलता है। आपकी जो ई एक्स वेरिएंट है इसमें आपको शार्कफिन एंटीना कंपनी ऑफर कर रही है, बाकी जो रियर का आपको स्पॉइलर कंपनी ऑफर कर रही है वो आपको दोनों में ही दिया जा रहा है, दोनों में ही सिमिलर डिज़ाइन है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। वोल्टोन आपको बम्पर मिलता है जो कि हम सिल्वर स्किट प्लेट के नाम से पहले जानते थे, अब इसको ई वेरिएंट से रिमूव कर दिया गया है, और ये भी एक डाउनग्रेडिंग फीचर हो चुका है इसके साथ। ये लुक्स को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहा है, उतना ज़्यादा ब्लैक कलर में इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है, और साइड में भी देखेंगे तो सिल्वर कलर में आपको इसकी साइड क्लैडिंग्स मिलती है।
सेम टू सेम दोनों कीज़ आपको मिलेंगे, कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है, दोनों ही एक जैक नाइफ पैटर्न में आती है, दोनों की ही वर्किंग। तो ये उस वाली की है और ये इस वाली की है। बूट का डिज़ाइन सिमिलर मिलने वाला है, यहाँ पर कुछ ऐसी क्लैडिंग्स मिलती है आपको, ये प्लास्टिक क्लैडिंग्स दी गई है, 433 लीटर्स का बूट स्पेस है दोनों ही गाड़ियों में। और यहाँ पर भी आपको जो स्पेयर व्हील मिलेगा, ये इसका बेस वेरिएंट है, अपोलो का टायर है, 205/65 सेक्शन रेडियल 16 का टायर मिलेगा, 16 इंच का टायर है। स्पेयर व्हील के साथ साथ आपको कुछ किट मिलती है, पहले ई वेरिएंट में आपको इसमें लगेज लैंप मिलता था, लेकिन अब वो केवल लिमिटेड रहेगी ई एक्स वेरिएंट से। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये वाली सीट्स फुली फ्लैट डाउन हो जाती है, तो ये भी एक इसका अच्छा फीचर है। वहीं अगर आप यहाँ आते हैं इसके ई एक्स वेरिएंट की ओर, ई एक्स वेरिएंट में क्योंकि मैंने सीट्स को फ्लैट डाउन किया हुआ है, तो ऐसा कुछ आपको सेम वहाँ भी उसी में भी वही लेआउट मिलने वाला है। एक आपको यहाँ पर जैसे पहले ई में लाइट्स मिलती थी, उसमें तो हटा दी गई है, लेकिन इसमें बरकरार है। इंटीरियर में आते हैं, ये इसका ई एक्स वेरिएंट है, जिसको हम सेकंड बेस कह सकते हैं या फिर बेस से एक ऊपर। इसका इंटीरियर आपको थोड़ा भरा भरा लगेगा। सेंटर में आपको 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है कंपनी, और इसको हम ये की, इसकी की ये वाली है, दोनों में ही आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता है और नेसेसरी के सारे फीचर मिलेंगे। बस इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, बल्कि और उसके साथ आपको एंड्रॉयड ऑटो मिल जाएगा, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, और एक रियर पार्किंग कैमरा भी ऑफर नहीं करा गया है। स्टेयरिंग दोनों में ही आपको डी कट स्टेयरिंग व्हील दिया गया है, और इसमें आपको कुछ आपको वॉइस कमांड के फंक्शन दिए गए हैं, वॉइस कमांड के फंक्शन दिए गए, बोर्ड का बटन दिया गया, इंफोटेनमेंट के लिए सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, और टेलीमेटिक्स का कुछ ये है। हॉर्न दोनों में ही सेम है। स्टेयरिंग की अगर आप बात करेंगे तो स्टेयरिंग इसमें टिल्ट मिलता है, और उसमें भी टिल्ट का ही फंक्शन है, और MID के सारे जो फंक्शन है, सब कुछ डिटेल्स है, वो सिमिलर रखी गई है। सेंटर कंसोल जैसे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी रिच और काफ़ी प्रीमियम फील देने की कोशिश की गई है। डुअल टोन इंटीरियर दिया गया है आपको, ब्लैक और ग्रेज का इंटीरियर इसे कहा जाता है। दोनों में ही आपको डुअल एयरबैग मिल जाएंगे, ABS, EBD, ये इसके बेसिक फीचर है। बाकी ग्लोबल एनकैप में रेटिंग क्रेटा की पूरी लाइनअप को 3 स्टार की मिलती है, क्योंकि ये सेल्टॉस के ही प्लेटफॉर्म पे बेस है, तो वो थोड़ा सा एक पॉइंट रहता है। बाकी सेफ्टी सेंस में काफ़ी स्टेबल गाड़ी है, अगर आप इसको एज अ स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए ड्राइव करते हैं। और यहाँ अगर आप AC वेंट्स की बात करेंगे तो AC वेंट्स भी उसी क्वालिटी के हैं जो कि इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में मिलते हैं। कुछ आपको सिल्वर इसमें एक एक्सेंट दिया गया है, जो बेजल्स प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी इसकी हमने बात करी, इसमें आपको ऑल 4 डोर्स में स्पीकर्स मिलते हैं, 2 आपको ट्विटर्स मिलते हैं दोनों ही ए पिलर्स के साथ, बाकी एक यहाँ है और दूसरा इसके यहाँ पर दिया गया है। सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो सेंटर कंसोल में भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन रखा गया है, यहाँ पर भी कुछ मैट शेड में मटेरियल का यूज़ किया जाता है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, और ये इसका आप यहाँ पर कुछ बॉटल ग्रिल स्पेस दिया गया है, कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक रियर पार्किंग, ये आपका पार्किंग ब्रेक ऑफर करती है कंपनी, और यहाँ पर आप देखेंगे आर्मरेस्ट मिलता है जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से पैडेड है। ग्लव बॉक्स में इसमें भी आपको कूलिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अपर वेरिएंट्स के लिए ही लिमिटेड रखी गई है। दोस्तों अगर आप क्रेटा के ई वेरिएंट को चेक करते हैं, तो जो ई वेरिएंट यानी कि जो इनका स्टार्टिंग वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, उसका जो इंटीरियर लेआउट है वो भी आपको सेम मिलने वाला है जो आपको ई एक्स वेरिएंट में मिलता है, या फिर इसके अपर वेरिएंट SX ऑप्शनल तक आप चले जाएंगे। डैशबोर्ड की तो डिज़ाइन की क्वालिटी सिमिलर ही रखी गई है ज़्यादातर, यहाँ पर भी देखिए आपको डुअल टोन कुछ थीम रखी जाती है, ब्लैक और ग्रेज कहती है इसे कंपनी। स्टेयरिंग व्हील आपको इसमें डी कट ही मिलेगा, और यहाँ पर भी कुछ सिल्वर एक्सेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर वॉल्यूम और ये इंफोटेनमेंट के कंट्रोल नहीं देती है कंपनी। लेकिन ये जो MID है और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसके लिए कुछ कंट्रोल्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। स्टॉक्स भी आपको ये नॉर्मल मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक जो सबसे बड़ा अभी इसमें डाउनग्रेड हुआ है, जस्ट मिरर को एडजस्ट करने के लिए आपको ये कुछ स्टिक दी गई है इसमें, जो मिरर एडजस्टर स्टिक है, पहले आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिलते थे, लेकिन अभी थोड़ी सी कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने ये बेहतर समझा कि कॉस्ट ना बढ़ाई जाए, फीचर्स को कम कर दिया जाए। जो आपको इसमें मिलने वाला है आपकी सीट, दोनों में ही आपको हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन मिलता है। एक बार इसे जल्द से स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ आप देखेंगे
यहाँ पर आपको जैसे मैंने XX एग्जीक्यूटिव वेरिएंट में दिखाया था, बिल्कुल प्लेन एक प्लास्टिक पैनल दिया है कंपनी ने। आप चाहिए तो इसमें म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं। हुंडई की भी कुछ जेन्युइन एक्सेसरीज आती है, और अगर आप थोड़ा बेटर चाहते हैं सोनी या फिर कुछ जैपनीज ब्रांड की ओर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी डुअल एयरबैग ABS और EBD इसके कुछ बेसिक फंक्शंस में से है। दोनों में ही आपको मैनुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम मिलता है, और यहाँ से आप इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर से आप इसकी फ़ैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये एयर सर्कुलेशन के लिए है, और यहाँ से आप कौन से मोड में इसको AC को यूज़ करना चाहते हैं। ग्लव बॉक्स दोनों में ही आपको नॉर्मल मिलेगा, किसी भी प्रकार की कूलिंग का फंक्शन नहीं है। और डैशबोर्ड का लेआउट ई का भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है उसमें। हाँ, क्योंकि थोड़ी सी स्क्रीन है तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगती है, थोड़ी सी ज़्यादा मॉडर्न लगती है। दोनों में ही आपको सिमिलर सा IRVM ऑफर किया गया है। रोड व्यू की बात करेंगे तो यहाँ से आपको काफ़ी इजीली बॉनेट विजिबल होता है, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से रेफरेंस लगा सकते हैं कि आपकी पोजीशन कहाँ है रोड में और किस अकॉर्डिंग आपको ट्रैफिक में गाड़ी चलानी है। तो यहाँ तक तो मुझे ज़रूर पसंद आया इसका स्टीयरिंग। इसमें भी जस्ट आपको टिल्ट का फंक्शन देता है, और MID अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको डोर अजार वार्निंग और बेसिक सारे फंक्शन दे देती है जो आपको EX में मिलेंगे, S वेरिएंट में मिलते हैं। तो काफ़ी मॉडर्न बनाया है कंपनी ने। आइए चलते हैं जल्दी से इसकी सेकंड रो की सीट्स की ओर। बाकी हेडरूम और ये सारी डिटेल्स आप देख चुके हैं, और इंजन बे भी अगर आप एक राउंड मानना चाहेंगे तो सेम है। पूरी क्रेटा लाइनअप में आपको वही सेम इंजन मिलने वाले हैं, 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर के डीजल इंजन। देखिए बेस वेरिएंट होते हुए भी आपको इसमें कुछ क्लैडिंग का पार्ट दिया गया इंसुलेशन के लिए, इससे आपके जो बॉनेट की पेंट क्वालिटी है ये भी इंक्रीज़ होती है। कैबिन में जो NVH लेवल्स है, नॉइस वाइब्रेशन और हार्शनेस ये भी कम आती है, और बॉनेट का जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा कम रहता है। तो उस अकॉर्डिंग कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एड ऑन रखा हुआ है। अभी भी बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पे किया गया, 45 AH की बैटरी है। ABS यूनिट को यहाँ प्लेस किया गया है, और बाकी सारा लेआउट काफ़ी क्लीन और काफ़ी सिंपलिस्टिक रखा गया है। क्लैडिंग का पार्ट यहाँ दिया गया है, तो जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी उनका तो कुछ भी कॉस्ट कटिंग इन्होंने नहीं की है, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा इनका। अब बेस वेरिएंट है तो देखिए आपको इसमें रियर में भी कुछ AC वेंट्स कंपनी दे रही है। बाकी डोर पैनल में आपको पावर विंडोज ऑफर किए जा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ आपको साउंड सिस्टम के लिए खाली मैच दी गई है। आप चाहे तो इसमें बाद में स्पीकर को लगवा सकते हैं। ब्लैक ऑन ग्रेज का जो पूरा लेआउट है काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी यूनिक लग रहा है इसके साथ भी। बैठते हैं तो कुछ भी नहीं है, सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है। लाइट्स अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ आपने गौर करी होगी कि आपको जो बेस वेरिएंट है इसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर सनग्लास होल्डर और रीडिंग लैंप्स नहीं मिलते, जो कि आपको ई वेरिएंट में दिए गए थे। और ये है इसके फ्रंट के डैशबोर्ड का पूरा लेआउट, जो सनग्लास होल्डर है, और ये बेसिक लाइटिंग के फंक्शंस है, ये आपको हैलोजन में दी जाती है, और ये कुछ कंपनी दे रही है ऐसा कुछ। तो ये कुछ तो था ई और EX वेरिएंट का कंपैरिजन। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप ई वेरिएंट लेंगे डीजल में तो ये आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है, और अगर आप EX लेते हैं पेट्रोल में तो ये भी ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि प्राइस बजट सेगमेंट में ये गाड़ियों का आना बहुत बड़ी चीज़ है। लगभग ये 12 से 13 लाख में आपको ऑन रोड पड़ जा रही है, उस हिसाब से ठीक है। तो ई वेरिएंट में आप जा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ना, ई वेरिएंट में आपको 10.51 लाख रुपीज़ का पड़ रहा है, और अगर आप EX में डीजल ले रहे हैं तो 11.41 लाख रुपीज़ का पड़ रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है EX में आते आते, और इसमें अगर आप रहते हैं तो ई में केवल आपको जो पेट्रोल पड़ रहा है ये 9.99 का है, और जो EX में पेट्रोल पड़ रहा है ये आपको 10.96 का है। तो उतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि EX में है तो आप पेट्रोल ले लीजिए, और ई में है तो आप डीजल ले लेते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे जो आपका प्राइस का बजट है वो बिल्कुल नेक टू नेक हो जाए। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए और इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसी के साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या इनमें और ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते थे या फिर होने नहीं चाहिए थे, कितना ज़्यादा प्राइस इसकी बढ़ाई गई है वो ठीक है, या फिर जो कुछ भी आपके मन में हो आप मुझे बताइए। बाकी ऐसे ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।